हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने एक फॉर्म छोड़ा था, उसका एग्ज़ाम भी हुआ था, तो वो था आप लोग का फायर ऑपरेटर के लिए। तो उसमें क्या है, इसके पहले ही कुछ दिन पहले इन्होंने जो वैकेंसी लिस्ट निकाले थे, वैकेंसी नहीं, जो आप लोग का एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग सिलेक्टेड हुए थे क्या फिज़िकल मेजरमेंट के लिए, तो उन लोगों का लिस्ट निकाला था। सिर्फ 480 स्टूडेंट्स का लिस्ट निकाला था, बट वैकेंसी तो हमारा अराउंड 1200 या 1400 था। तो इसलिए क्या है, वोला आप लोगों का खारिज हो चुका है। इस बार जो नया आप लोगों का लिस्ट निकाला है, ये वाला पूरा सबका लिस्ट निकाला है, अलग अलग से निकाला है। जनरल कैंडिडेट का अलग, एससी कैंडिडेट का अलग, ओबीसी, एसटी, एससी जितने भी है सब कैंडिडेट का अलग अलग लिस्ट निकाला है। ये आप लोगों का टोटल फुल नोटिफिकेशन है। और इसमें क्या है, आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहली लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर। जो फायर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ही आप लोगों का लिस्ट निकला है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों का रोल नंबर दिया है, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, ये वाला लिस्ट, पहला वाला लिस्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाद में के जो नीचे आप देखोगे, नीचे आप लोग का एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के लिए अलग अलग सा लिस्ट है। ये सब आप लोग का पूरे जनरल कैंडिडेट्स के हैं। देन आप लोग का मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए, ये अगर आप लोग का लिस्ट चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट WBPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एससी कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला है आप लोग का एससी कैंडिडेट्स का, वैसे करके हर एक कैंडिडेट का लिस्ट अलग अलग सा भाग किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोग का सबसे पहले जनरल कैंडिडेट का मैं दिखा दे रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट में क्या है, आप लोग का सबसे पहले ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग का रोल नंबर दिया है। अगर किसी को रोल नंबर याद है या अगर आपने ठीक तरह से सेव करके रखा है तो रोल नंबर देख के आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का नाम दिया हुआ है, नाम के बाद आप लोग के फादर्स नेम दिया हुआ है। अगर आप लोग को रोल नंबर याद नहीं तो अपना नाम ठीक स्पेलिंग सर्च में जाके, यहाँ पर देखिए सर्च बटन है, ये सर्च बटन में जाके आप लोग स्पेलिंग ठीक तरह से लिखिएगा अपना रोल नाम, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा। अगर जो लोग सिलेक्टेड है अच्छी तरह से आप लोग का ठीक तरह से प्रिपरेशन कीजिए, एंड जो लोग सिलेक्टेड नहीं है नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, अभी तो पुलिस के रिक्रूटमेंट चल ही रहे हैं, उनका प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। एंड आज के लिए वीडियो इतना ही, दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।